डियर गर्ल्स, वैसे तो हम सभी लड़कियां बड़ी खास और स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन वो क्या है ना कि हमें खुद को यह बात बार बार याद दिलाने की बड़ी ही जरूरत पड़ती है। अक्सर ही हम वॉशरूम में जाकर एकदम मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं और खुद को अपना असली चेहरा दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी यह काम फिल्में भी कर देती हैं। शायद ही ऐसी कोई लड़की होगी जिसने क्वीन देखकर किसी राजकुमारी की तरह महसूस न किया हो। ऐसी कई फिल्में हैं जो हम लड़कियों, महिलाओं को खुद के अंदर झांकने का मौका देती हैं। आपने ऐसी कई इंडियन फिल्में देखी होंगी, मगर आज हम हॉलीवुड फिल्मों पर बात करेंगे जो हर लड़की महिला को अपनी जिंदगी में एक बार तो जरूर देखना चाहिए। इन फिल्मों में आपको अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलू देखने को मिलेंगे। आपको यह फिल्में अकेले इसलिए देखनी है क्योंकि आपका पार्टनर इन्हें शायद ही समझ पाए। तो चलिए करते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों की बात। एरन ब्रॉकोविच एक बायोग्राफिकल फिल्म थी। यह फिल्म एक महिला की कहानी है जो 3 बच्चों की सिंगल मदर है। बावजूद इसके जब उसे पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी के घोटाले का पता चलता है तो वो जी जान से इस केस को सॉल्व करने में जुट जाती है। द डेविल वेयर्स प्राडा एक भावी जर्नलिस्ट की कहानी है। इस फिल्म में करियर और ऑफिस लाइफ को दिखाया गया है। फिल्म आपको वाकई इंस्पायर करेगी। फ्रीकी फ्राइडे, माँ और बेटी का रिश्ता कैसा होता है यह तो माँ बेटी ही समझ सकती है। फ्रीकी फ्राइडे में माँ और बेटी के खट्टे मीठे रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। वंडर वुमन, फिल्मों में आमतौर पर पुरुष ही सुपरहीरो होते हैं, लेकिन वंडर वुमन में आपको महिलाओं के राज वाली एक पूरी दुनिया नजर आएगी। अपने हक के लिए महिलाओं को लड़ते देखना वाकई मजेदार अनुभव रहेगा। इस फिल्म को देखकर आप एक नई ऊर्जा से भर जाएंगी। प्रेशियस, यह एक 16 साल की किशोरी की मुश्किलों भरी जिंदगी की कहानी है। इस बच्ची के पिता ही उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और वो बच्चों को भी जन्म देती है, लेकिन इस किशोरी की हिम्मत वाकई आपको नई ताकत देगी। एमिली एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अकेली है लेकिन लोनली नहीं। एक घटना के बाद एमिली को लोगों को खुश करने की प्रेरणा मिलती है और वो खुद को इसी काम में झोंक देती है। ऐसा करते करते वो खुद के लिए भी खुशी ढूंढ ही लेती है। थेल्मा और लुईस, जब दो बेस्ट फ्रेंड्स साथ में होती हैं तो कोई ना कोई सियापा तो होता ही है। इस फिल्म में भी दो गर्लफ्रेंड्स एक ट्रिप पर निकलती है और अलग अलग सिचुएशंस में फंसती जाती है। इस सफर में उन्हें क्या क्या करना पड़ता है यह तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। बिकमिंग जाने एक आम लव स्टोरी नहीं है। इस फिल्म में दो लोगों को प्यार तो होता है, मगर लड़के के परिवार के लिए लड़की अपने प्यार की कुर्बानी दे देती है और फिर कभी किसी और से शादी भी नहीं करती है। इस फिल्म को देखकर आप समझ पाएंगे कि एक महिला कितनी समझदार और मजबूत होती है। एलजी, इस फिल्म में एक प्रोफेसर और स्टूडेंट की लव स्टोरी दिखाई गई है। इस फिल्म में सच्चे प्यार की ताकत को भी दिखाया गया है। यह बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है। एन एजुकेशन, टीनेज का प्यार कैसा होता है ये तो हम सभी जानते हैं। इस फिल्म में एक टीनेज स्कूल गर्ल की लव स्टोरी को दिखाया गया है। वो गलत व्यक्ति से प्यार करती है मगर बाद में ट्रैक पर लौट भी आती है। विंटर्स बोम, यह एक 17 साल की लड़की की कहानी है जो मानसिक रूप से कमजोर माँ के साथ ही दो छोटे भाई बहनों का भी ध्यान रखती है। फिल्म में यह लड़की अपने घर के लिए भी लड़ती नजर आएगी। इस लड़की की हिम्मत के आप कायल हो जाएंगे। गॉन विद द विंड, इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस अपने प्यार को पाने के चक्कर में अपने पति को भी खो देती है। इस कहानी का अंत बुरा है, लेकिन यह फिल्म आपको रिश्तों की अहमियत समझाएगी। रेवोल्यूशनरी रोड, शादी होने के बाद अक्सर ही लड़की को अपने सपनों की आहुति देनी पड़ती है। इसके साथ ही मैरिड लाइफ में और भी कई दिक्कतें आती हैं। फिल्म एक मैरिड कपल की ऐसी ही स्टोरी है। द आवर्स, इस फिल्म में अलग अलग जनरेशन की 3 महिलाओं की कहानी है। इन महिलाओं की कहानी एक नॉवेल से जुड़ी हुई है जो किसी न किसी तरह से इनकी जिंदगियों को प्रभावित करता दिखता है।
जिया, यह फिल्म अमेरिका की पहली सुपर मॉडल जिया मरीन कैरंगी के जीवन पर आधारित थी। इस फिल्म में मॉडलिंग इंडस्ट्री की सच्चाई दिखाई गई है। फिल्म को एंजेलिना जोली की जबरदस्त एक्टिंग के लिए देखा जाना चाहिए। आपको जब भी फुर्सत मिले ये फिल्में जरूर देखें। आपके लिए अच्छा अनुभव रहेगा।